Hello guys, welcome back to Coder Baba. In this video, I will show you what are the session modes available in ASP.NET. Session mode ki baat kar lete hain. ASP.NET session state supports several different storage options for session data. Each option is identified by a value in the session state mode numeration. The following list describes the available session state mode. To jo number one hota hai, wo hai improve mode. This is the default mode in which store session data in memory on the web server. तो इसमें जो भी आपका session से related data होगा वो server पे जाके web server पे जाके store होगा. Second है आपका state server mode, which store session state in a separate process called the ASP.NET state service. This ensure that session state is preserved if the web application is restarted and also make session state available to multiple web server in a web form. Number third, SQL server mode. In this mode, store session data in a SQL server database. This ensure that session state is preserved if the web application is restarted and also makes session state available to multiple web server in a web form. And the number third is completed. And the fourth mode is custom mode. In this mode, we enable to specify a custom storage provider. And the last one is off mode. In this mode, it is used to disable the session state. So guys, these are the five basic mode of session. So चलिए हम अब example करके बताते हैं कि कैसे आप session को create कर पाएंगे. चलिए start करते हैं आज का हमारा ये session का दूसरा example. तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि session आपको कैसे create करना है. तो देखिए मेरे पास दो web form है, यहाँ पर आप देख लीजिए, एक है default और दूसरे का नाम है home page. तो भाई दो हमारे पास पेज हैं और पहले होम डिफॉल्ट पेज पे मैंने बना रखा है, दो टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है और एक बटन ले रखा है. और जब हम यहाँ पर रोल नंबर एंटर करेंगे, नाम एंटर करेंगे, जो सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो हम चाहते हैं कि हम फॉर्म शो पे चले, होम पेज पे चले जाए. जब हम सबमिट पे क्लिक करें तो हमें होम पेज दिखे. ठीक है, तो यहाँ पर हम सेशन का कॉन्सेप्ट क्रिएट करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि जब तक बंदे का सेशन क्रिएट ना हो तब तक हम उसे होम पेज शो नहीं करेंगे. तो देखिए ध्यान से देखिएगा होम पेज हम कैसे बनाते हैं. देखिए बेसिकली जो हमारा काम है, तो सबसे पहले आपको ये दो टेक्स्ट बॉक्स ले लेने होंगे, फिर आपको होम सबमिट बटन पे करना होगा डबल क्लिक. तो मैंने सबमिट बटन पे डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे. तो अब अगर मुझे यहाँ पे अगर सेशन क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे, तो भाई बटन के क्लिक इवेंट पे जब भी आपको सेशन क्रिएट करना होगा, ध्यान रखिएगा सेशन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और बड़ा सा ऑब्जेक्ट होता है. उस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ ब्लॉक बने होते हैं, बने नहीं होते, हमें बनाने पड़ते हैं बेसिकली. तो जैसे कि सपोज कीजिए मुझे सेशन में कुछ रखना है, तो कैसे आप लिखेंगे इसे, लिखेंगे आप सिंपली सेशन, ये लिखा सेशन. अब सेशन इज अ ऑब्जेक्ट, तो आपको यहां पर लिखाना होगा एक ये बड़ा वाला बॉक्स. अब इस बॉक्स में आपको करना क्या है, इस बॉक्स में आप कोई भी फील्ड ले लो. ठीक है, तो जैसे कि मैं बता दूं, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट पेज पे हूं, तो यहाँ पे क्या रोल नंबर एंटर करना है और नेम एंटर करने हैं, और इसी के क्लिक इवेंट पे मैं हूं, तो इसको मैं दे देता हूं रोल नंबर. ठीक है, इसको मैंने दे दिया रोल नंबर. कोई भी नाम दे दीजिए आप, सेशन में जरूरी नहीं है मैंने रोल नंबर दिया है तो आप रोल नंबर देंगे. आप ABCD दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, कोई दूसरी कोई XYZ वैल्यू दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, जो भी आप चाहे यहाँ पे दे सकते हैं. तो मैंने बोल दिया कि सेशन ऑब्जेक्ट में एक फील्ड बना रहा हूं, उसका नाम होगा रोल नंबर, और इसमें जो वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी, वो आएगी txt id.txt. ठीक है, तो बात को समझिए आप लोग. और यहाँ पे सेमी कॉलम आपको देखना है, सेमी कॉलम दे दिया मैंने. देखिए हम कर क्या रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम अगर आप प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे मेरे पॉइंटर है आप देख सकते हैं txt id. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इस कोड में लिखा है कि एक सेशन में एक फील्ड बना दो. ठीक, मैंने जो सेशन बड़ा हुआ ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम फील्ड बना रहे हैं कि भाई उसमें रोल नंबर एक फील्ड होगी और उस फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो टेक्स्ट बॉक्स आईडी से जो भी वैल्यू आएगी वो होगी यहाँ पे. चलिए मैंने ये बना दिया. ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट. ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, अगर आपको किसी दूसरे पेज पे जाना है तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. इसी की मदद से हम क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे मूव करते हैं. तो यहां पर जिस फॉर्म पे जाना है उस फॉर्म का नाम आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा, होम डॉट AXPX. ठीक है,
तो विथ एक्सटेंशन, तो यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, इसे हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी यूजर जो भी सर इस रोल नंबर वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू एंटर करेगी करेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम उसे सेशन ऑब्जेक्ट के एक रोल नंबर फील्ड बना के उसमें रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यू है, नेम भी है, तो हम नेम को भी रख देते हैं। तो चलिए इसी के जस्ट बाद हम यहाँ पे फिर से क्रिएट करेंगे। तो जब भी आपको सेशन क्रिएट करना होगा तो आप लिखेंगे क्या, सेशन, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, सेशन, उसके बाद आपको बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है, एक मिनट, सेशन, उसके बाद आपको बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है। इस ब्रैकेट में अब आपको कोई भी, तो यहाँ पे जरूरी होगा कि चीजों को आप मीनिंगफुल रखें, तो यहाँ पे मैं नेम ले देता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेम इज इक्वल टू, अब नेम कहां से आएगा, तो यहाँ पे जो उसका नाम क्या है, यहाँ पे दो ही टेक्स्ट बॉक्स है, एक का नाम है टीएक्सटी आईडी और दूसरे का मैंने जो नाम लिखा है वो है टीएक्सटी नेम। देखिए बाय डिफॉल्ट तो टेक्स्ट बॉक्स वन टेक्स्ट बॉक्स टू होता है, पर आप अपने हिसाब से चाहे तो किसी भी कंट्रोल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो अब बात को ध्यान से देखिएगा कि भाई अब मैंने किया क्या है, सेशन में ये एक रोल नंबर है, उसमें टीएक्सटी आईडी डॉट टेक्स्ट वाले कंट्रोल से जो भी वैल्यू आएगी उसमें स्टोर हो जाएगा, और सेशन के नेम वाले फील्ड में जो भी टेक्स्ट बॉक्स नेम से जो आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो भाई ये होगा कब, जब बंदा बटन पे करेगा क्लिक, हम इसे कहां लिख रहे हैं, बटन के क्लिक इवेंट पे लिख रहे हैं, और उसके बाद हम चले जाएंगे फॉर्म टू पे, यानी कि होम पेज पे चले जाएंगे। चलिए ये तो कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, हम इसे शो कर लेते हैं, अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो चलिए इसे रन कर लेते हैं, ये रहा हमारा, यहाँ पर हम दे देते हैं रोल नंबर, तो मान लीजिए रोल नंबर 10 और बंदे का जो नाम है इसमें दे देते हैं हम कोडर, ठीक है। अब हम करते हैं सबमिट पे क्लिक, मैंने किया सबमिट पे क्लिक, तो हम चले गए यहाँ पे, देखिए हमारा फॉर्म टू पे हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, फॉर्म टू पे हम आ गए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सेशन की वैल्यू को हम यूज नहीं कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा, अभी सिर्फ मैंने सेशन क्रिएट किया है, अभी सेशन में वो वैल्यू वहां पे पड़ी होगी। तो हम एक चीज करते हैं कि अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि ये जो हम सेशन बना रहे हैं ना, ये जो दो मैंने सेशन जो क्रिएट किए हैं, ये सेशन की वैल्यू हम अपने इस जो हमारा जो एप्लीकेशन का जो हमारा जिस जो वेबसाइट हम बना रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं या जो भी वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में जितने भी पेजेस इंक्लूड होंगे सारे पेजेस पे हम ये सेशन की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, तो सेशन जो 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 सेशन ऑब्जेक्ट होता है वो आपके वेबसाइट में कहीं भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे पेज, अगर मैं यहाँ पे 100 पेज ऐड कर दूं तो 100 पेज पे मैं ये वाला नाम, ये जो रोल नंबर है, इसे एक्सेस कर पाऊंगा। तो अब मैं चाहता हूं कि भाई ये जो चीज है वो जाके होम पेज पे भी, ये जो होम पेज है, ये जो आप देखिए होम पेज पे मैंने दो लेबल ले रखा है, इसका नाम है लेबल वन और इसका नाम है लेबल टू। तो भाई मैं चाहता हूं लेबल वन में रोल नंबर शो हो और लेबल टू में उसका जो नेम है वो शो हो। तो वो कैसे शो होगा, तो आपने यहाँ पे इंटर किया, सबमिट पे क्लिक किया, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो पहले तो सेशन के ऑब्जेक्ट में रोल नंबर और नाम जाके सेट हो जाएगा, उसके बाद हम फॉर्म टू पे मूव कर जाएंगे। चलिए फॉर्म टू पे मूव कर जाएंगे, तो अब यहाँ पे जब मैं चाहता हूं जब भी फॉर्म टू ये जो है, जब ये फॉर्म टू ब्राउजर में लोड हो तो पेज के लोड इवेंट पे ही हम यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो आपको इस पेज पे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए पेज का लोड इवेंट आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इवेंट भी आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा कोड किस इवेंट पे होगा, ये भी जरूरी है। तो पेज के लोड इवेंट पे हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, हम चाहे तो इफ कंडीशन दे दें ज्यादा बेटर होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ। इफ में आपको क्या लिखना है, इफ में लिखना है आपको अगर क्या हो, सेशन, ठीक है, सेशन, और कौन सा सेशन, तो सेशन का नाम लिखेंगे इफ सेशन, इसमें देख देंगे रोल नंबर, वो भी डबल कोटेशन में, आपको ध्यान रखना है सारी चीजें, ठीक है। मैंने कहा इफ रोल नंबर इज इक्वल टू नल, ठीक है, फिर यहां पे ये, तो मैंने लिखा सेशन रोल नंबर इज इक्वल टू नल। तो सेशन क्या है, सेशन इज अ वेरिएबल, तो यहां पर एक चीज देखिए ये नहीं होगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इक्वल टू, यहां पर हम ये वाला साइन लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर सेशन क्या नल ना हो, ठीक, इफ सेशन डज नॉट, तो यहां पे ये जो आप देख रहे हैं, अगर मैं इस, ये तो इक्वल टू है और ये जो सिंबल लगा है दैट इज निगेशन ऑपरेटर, ठीक है, नॉट ऑपरेटर। तो यहां पे क्या हो गया, इफ सेशन जो हो उसकी वैल्यू अगर नल ना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां पे मेरे पास दो चीज है, आपको याद होगा, पहला है लेबल वन, तो लेबल वन डॉट टेक्स्ट, लेबल वन डॉट टेक्स्ट, तो लेबल वन डॉट टेक्स्ट जो हमारा लेबल वन है इसमें हम क्या रखेंगे, इसमें हम सेशन, इसमें हम रोल नंबर शो करना चाहते हैं। तो भाई कैसे करेंगे, तो लेबल वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे सेशन और आप अपने सेशन का नाम लिख देंगे, जिस भी सेशन से आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेरे को सेशन
रोल नंबर, ठीक है। तो भैया सेशन इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जो भी चीजें होती हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होती हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट में जो भी चीजें होती है वो क्या होते हैं कि क्लास के फॉर्मेट में होती है ना, मतलब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि वो इंटीजर है कैरेक्टर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसे ऑब्जेक्ट जो है आपका, एक मिनट कहाँ चला गया पॉइंटर मेरा, ओके। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को डॉट टू स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि उसके फॉर्मेट को हमने बदल दिया। तो मैंने क्या बोला कि सेशन के रोल नंबर में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप उसको लेवल को असाइन कर दो, ठीक है। तो यहां से उसको रोल नंबर मिल जाएगा। फिर हम यहां पे बात करते हैं लेवल टू की, तो लेवल टू डॉट, एक मिनट, ओके, तो यहां पे आपको मिल जाएगा लेवल टू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, अब फिर यहां पे क्या मिलेगा आपको, सेशन। अब सेशन में कौन सा है आपका, नाम किस में रखा है आपने, नाम हमने रखा तो उसका नाम है सेशन का नाम नेम, इसको भी हम क्या करेंगे स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। तो अब बात को देखिए जरा सा, अब मैंने क्या कोड लिखा है आप लोग समझते रहिए। मैंने बोला है पहले जो पेज लोड होगा तो वो क्या करेगा, इफ कंडीशन को चेक करेगा, पेज के लोड होने से पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर सेशन के रोल नंबर में कुछ होगा, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू नल, और चाहे तो आप यहां पे एक चीज और कर सकते हैं, क्या यहां पे हम एंड, ठीक है, एंड फिर यहां पे क्या कर दें, सेशन और सेशन के दो फील्ड है हमारे पास तो दोनों को चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, और यहां पे होगा नेम, ठीक। तो एक चीज याद रखिए, हम यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पे कर लें दोनों, ठीक है, तो मैंने ये लिखा है दोनों के लिए, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर, क्योंकि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू ना हो तो मैंने लिखा डज नॉट इक्वल टू नल, ठीक। अब क्या है इसमें क्या होगा, मैंने बोला कि रोल नंबर वाला फील्ड नल ना हो और साथ ही साथ नेम वाला भी फील्ड नल ना हो, ये दोनों चीज हमें चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में तभी जाके यहां पर देख रहे हैं आप, हम इस लेवल में रोल नंबर को शो कर देंगे, लेवल वन में, लेवल टू को, लेवल टू में नेम को शो कर देंगे। अच्छा सपोज करो इनमें से अगर कोई भी एक, कोई भी एक फील्ड आपका जो है वो नल हो, ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ओके, तो यहां पर आप लिखेंगे एल्स पार्ट, ठीक है, तो हम इसका एल्स पार्ट भी लिख देंगे, ताकि अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती है, मतलब यहां पे इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स में हम क्या लिख देंगे, यहां पे आपको वही लिखना है रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करके, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, तो हम क्या कर देंगे, यूजर को फिर से होम पेज पे भेज देंगे, ठीक है, तो होम पेज मतलब कि जो आपका डिफॉल्ट पेज है डॉट ए एक्स पी एक्स, तो मान लीजिए अगर आपने लॉगिन लगा रखा है तो आप यूजर को लॉगिन पेज पे मूव करा सकते हैं, यहां पे सेमी कॉलम आपको दे देना होगा, ओके, ठीक है, तो आपने इसे सेव कर लिया। अब क्या होगा, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को अगर अब की बार में रन करता हूं, तो चलिए पहले होम पेज पे चलते हैं हम वापस, यहां पे हम होम पेज पे आ गए, तो ये हमारा है होम पेज, इसको मैंने रन कर दिया। तो यहां पर देखिए मैं दे रहा हूं बंदे का 1023, ये इसका रोल नंबर हो गया। यहां पे जो नेम होगा नेम मैं दे देता हूं कोडर, और उसके बाद मैं करूंगा इस सबमिट बटन पे क्लिक। तो जैसे मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो आप यहां पे देख सकते हैं हम फॉर्म 2 पे आ गए, यहां पर हमें क्या मिल रहा है 1 2 3 कोडर, ठीक है।